नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया दिखाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक मिस्त्री ने मात्र 11 फीट चौड़ा जमीन में एक शानदार घर बना डाला है। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ यहाँ पर घर को बनाया गया है। फुल डिटेलिंग आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए दोस्तों, पार्ट वाइज देख लेते हैं कि कैसे इसे बनाया गया है। स्टार्ट करेंगे इस घर के सबसे ऊपर वाला पार्ट से। तो देखिए, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट से जब छत की ढलाई होती है उसी समय आपको दो बीम निकलवा लेना है। आप देखिए, एक बीम इधर और एक बीम इधर, जो दोनों बीम है उसे ढाई ढाई फीट बाहर निकाला गया है और बीच में देखिए ज़्यादा बाहर निकाला गया है छत को ढलाई के समय, मतलब 3 फीट बाहर से निकाला गया है, जिससे आपको एक गोलनुमा डिज़ाइन यहाँ पे मिल जा रहा है। और देखिए, बीच में देखेंगे जो छज्जा बाहर निकाला गया वहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत लाइट भी नज़र आ रहा है। अब चलते हैं उसके ऊपर, तो देखेंगे पैरापेट में जो डिज़ाइन लगाया गया उसको देखिए। सबसे ऊपर तो स्टेनलेस स्टील का आपको रेलिंग नज़र आ रहा है, उसके नीचे देखेंगे तो 3 रद्दा जुराई किया गया है, जिसपे आपको बर्फी कटिंग वाला डिज़ाइन को बनाया गया, जिससे आसानी के साथ आप प्लास्टर करने के साथ ही कटिंग करते हुए बनवा सकते हैं। आते हैं हल्का नीचे, तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत मिल जाता है बालकनी, जहाँ पे भी लगाया गया है स्टेनलेस स्टील का रेलिंग, लेकिन जो नीचे में 3 रद्दा जोड़ने के बाद में जो डिज़ाइन बनाया गया उसको देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट है। ऊपर वाला डिज़ाइन को आप देख रहे हैं, फिर नीचे वाला डिज़ाइन को देखेंगे तो डिफरेंट है। फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है विंडो, जो कि बनाया गया है बॉक्स डिज़ाइन का, आप देख सकते हैं। और उसके बगल में आप देखेंगे तो 2.5 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा आपको एक मिल जाता है गेट, जहाँ पे फ्लश डोर लगाया गया है। तो देखिए, इतना छोटा जगह में कितना अच्छा तरीका से यहाँ पे घर को बनाया जा रहा है। नीचे में देखेंगे, नीचे वाला छज्जा में तो आपको 3 लाइट देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। और ऊपर वाला छज्जा में आप देखें तो मात्र आपको 1 लाइट ही देखने को मिला था, तो वो अपने हिसाब से आप उसे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ इस घर का फ्रंट एलिवेशन का फुल लुक, जिससे आप बहुत सारा आइडिया लगा पाएंगे इस घर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है तो बिल्कुल भी आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटा टुकड़ा में भी आप एक बहुत ही अच्छे ढंग से एक अच्छा डिज़ाइन के साथ घर बना सकते हैं। पहले भी मैं आप लोग के लिए बहुत सारा छोटा घर का डिज़ाइन शेयर किया हूँ, आज भी कर रहा हूँ और आने वाला दिन में भी करता रहूँगा। आपको करना यह है कि जो पीछे में एरोप्लेन देख रहे हैं आप, उसी स्पीड से आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो दोस्तों, देख लीजिए एक बार इस घर को, कितना अच्छा यहाँ पे काम किया गया है, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप इस घर को पुट्टी के बाद अच्छे ढंग से पेंटिंग कराते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है।